हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रांजल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 23 जनवरी का जो पेपर आया था उसके मैथ का एनालिसिस कर रहे हैं। जहां तक हमको क्वेश्चन मिल पाया है, मैं उसका जो है आप लोगों का एनालिसिस करके दिखाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में कमेंट भी करना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमें मिला है जो दिया है, दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं एक संबंध है चार के अनुपात में है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। काफी इजी क्वेश्चन है। दिया है R1 संबंध R2 इक्वल टू क्या दिया है, 1 संबंध 2। ठीक है, 1 संबंध 4। तो अगर ये त्रिज्या का अनुपात एक और चार के है तो एरिया का अनुपात क्या होगा, सॉरी एरिया का A1 संबंध A2। ठीक है, जब त्रिज्या एक संबंध चार के रूप में है तो अब हम इसको क्या जानते हैं। देखिए सिंपल, आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा, सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, π r² ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, π r² 2। ठीक है, अब पाई से पाई खत्म, यानी जब हमको एरिया निकालना होगा तो केवल जो है त्रिज्या पे ही ये सारे एरिया डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो A1 upon A2 = R1² / R2, तो 1² / 4² = 1/16। यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:16 के अनुपात में जो है एरिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं जिसका अनुपात 2:3 है और उसका गुणनफल जो है 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, इसमें दो संख्याएं दिया है, दो और 2:3 के रूप में, और इसका गुणनफल क्या बता रहा है, 2 × 3 गुणनफल बता रहा है। मान लेते संख्या क्या है, x है, तो जो 2x × 3x = कितना दिया है, 9600। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x² = 9600। ठीक है, तो x² = 16, यानी 96/6 हो जाएगा 16, तो 1600, तो x = 40 होगा। अब जब x = 40 है तो संख्याओं का योग कितना होगा, ये अब 5 है, तो 40 × 5 बराबर संख्याओं का योग कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु को 52,500 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज, उसमें मैं बताया था कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, अब जो है पूरा कितना है, 4 है, और हानि उसको कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, 52,500 × पूरा कितना है, 400, और हानि 1 का हुआ है तो बचा कितना, 3। अब इसको काट देते हैं, कितना होगा, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसका हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, 4 × 4 = 7, 70,000 रुपए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, 2 sin 3x - 3 = 10 240 अंश, तो x को फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, तो एक चीज बताइए, 10 240 का मान कितना हुआ, 10, इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 180 + 60, तो ये अपने ही जो है चतुर्थांश में जा रहा है, तो हम ये कितने के बराबर होगा, ये 10 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इधर क्या कर लेंगे, 2 sin 3x - 3। ठीक है, अब 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और ये क्या हुआ, 2 sin 3x - 3। ठीक है, तब अगर हम इसको, इस 2 को इस साइड में ला दें, ठीक है, जब इस 2 को हम इस साइड में ला देंगे तब क्या हो जाएगा, sin 3x - 3 = 3/2। ठीक है, अगर हम इसको sin 3x - 3 = sin, ये कितना का मान होता है, ये जो है sin 3/2 कितने का मान होता है, ये जो मान होता है 60 अंश का होता है। ठीक है, जब ये 60 अंश का मान होता है तो साइन साइन हट गया, अब 3x - 3 = 60,
ठीक है, तो 3x इक्वल टू 60+3 यानी कितना हो गया 63। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब 3x इक्वल टू जो है 63 है तो x इक्वल टू कितना होगा 21 होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए की क्षमता बी की दोगुनी है तो दोनों एक साथ काम मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि दिया हमको ए अपॉन बी बराबर ये जो है इनके क्षमता है। ठीक है, तो क्षमता हम बताए हैं आप लोग को, हमारे वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा कि क्षमता जो होता है वो एक दिन में कितना काम करता है उसका क्षमता होता है। ठीक है, तो ये जो है 3 और दोनों साथ में मिल करके जो काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जब ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों के एक दिन का काम कितना है, एक का एक दिन का काम 2 है, बी के एक दिन का काम 3 है, तो दोनों मिल तो पूरा काम कितना हुआ, तो पूरा काम जो हुआ कितना हुआ 2 × 1 = 3, मतलब 3 × 20 = 60। अब पूरा काम 60 है, अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बी को पूरा काम करने में, पूरा काम 60 है एक दिन में कर कितना रहा 1, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ठीक है फ्रेंड्स आज बस इतना ही मैं आप लोगों को बताया जो हमें जितना क्वेश्चन मिल पाया, और आगे भी मैं जो है एनटीपीसी का एनालिसिस करते रहूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी साथ में करना, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बाकी अब हम लोग कल देखते हैं।